सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मोर एजुकेशन। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में फिर से बताने वाला हूँ कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान कंप्यूटर मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से टॉप 10 कंप्यूटर क्वेश्चन के बारे में, कंप्यूटर जीके क्वेश्चन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल्ली आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ साथ में, क्वेश्चन के साथ साथ में मैं आपको इस वीडियो में आंसर भी देने वाला हूँ। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सबको साथ भी शेयर कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो या आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो अगर पता है तो आप हमें नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मिक्स चार्ट, ऑप्शन नंबर बी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर डी हल चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ये रहा आपका टाइमलाइन, शुरू हो गया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ऑप्शन नंबर बी 1968 में, ऑप्शन नंबर सी 1964 में, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 में। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन नंबर ए C++, ऑप्शन नंबर बी COBOL, ऑप्शन नंबर सी PASCAL, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको जवाब आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर से। तो चलिए, वीडियो में तो हम क्वेश्चन तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। अब अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बाजू में बेल आइकन का घंटा दिखा हुआ उसको भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का डाउट आपको हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बीट, ऑप्शन नंबर बी मेगा बाइट, ऑप्शन नंबर सी गीगा बाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ऑप्शन नंबर ए निकोल्स बर्थ, ऑप्शन नंबर बी जिम क्लर्क, ऑप्शन नंबर सी निकोल्स बर्थ, ऑप्शन नंबर डी जॉन जी कैमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन नंबर ए COBOL, ऑप्शन नंबर बी BASIC, ऑप्शन नंबर सी PASCAL या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको पता है सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी सोर्स कार्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट कार्ड या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असेंबल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए ऐसे हम नेक्स्ट और यहाँ से आखिरी क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर सी ALU जिसको हम LU बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में तो हम इतना ही बताने वाले हैं। सो फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के लेकर हम आएंगे। अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स सबको साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर से हम आऊँगा।